नमस्ते, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम है अभिषेक सोनी और आज है डे टू हमारे सम्मेलन का। तो मैं वहीं जा रहा हूँ, पापा और वो लोग जा चुके हैं। आज हमने पहना है ये बुशकोट और आजकल मैं बुशकोट से बहुत ऑब्सेस्ड हो रहा हूँ, तो मैं आजकल आउटफिट में भी वही पहन रहा हूँ। तो अब देखते हैं वहाँ का माहौल है। कल का माहौल तो आपने देख ही लिया, वहाँ पर बहुत ही भारी और सब एक से एक हमारे परिवार और समाज वाले। तो मिलते हैं आपसे गार्डन में। शादी कितनी बजे थे? तुलसी विवाह चश्मा खोलो भैया, चश्मा दिख गया मुझे। मुझे बड़े पापा आ चुके हैं। हाँ बड़े पापा, आनंद है? आनंद कल के बाद बहुत रिलीफ, बहुत फर्क है, थोड़ा अफसोस है, थोड़ा बहुत अफसोस है। बोली बोली चली गई, बोली चली गई, हाथ से हाथ चली गई। आज लगाएंगे दो तीन तीन निकावन के लगाएंगे। तो रहे पाँच, देखो साढ़े पाँच के साढ़े पाँच के लगाएंगे। मजा तो बहुत आया, लोगों का मजा लिया। संपन्न होने जा रहा, सूरज सोनी पूजा सोनी, बहुत खुशी की बात है। दिवाकर सोनकार भाग्यश्री धर्मेंद्र, हमारे ज्योति जी, लाडली और लाडली का विवाह संपन्न होगा। राहुल सोनी, इसी बीच निवेदन करते हैं बसंती जी वर्मा। बसंती जी वर्मा से निवेदन है कि कृपया स्टेज पर पधारने का कष्ट करें। यहाँ पे तुलसी विवाह चल रहा है गाइस। सबकी जोरदार लग रही है इन सबकी। तुलसा जी आ चुके हैं, ये तुलसी विवाह बहुत जल्द संपन्न होने जाएगा। अभी ये तीन तीन क्यूट बच्चे मिले हमें। क्या नाम है आपका? देव। ये सब का शर्ट एक साथ लाए थे जैसा। क्या नाम है? देव। आपका? तिलक। आपका? तो इन सबको ब्लॉग में आना था, हमारे ब्लॉग के व्यूअर्स हैं, तो बोला लाइक कमेंट शेयर बोल दो सब जने। राधे राधे। हम समाज में खड़े हैं, इनकी दाढ़ी से वीडियो बना रहे हैं हमारा। कैजुअल नहीं था अभी, चालू है मेरे को घुस जा। खर्चे होंडा बात है, ये हमारे एक बड़े पापा और हैं, इनसे मिलना रह गया था, स्टार्टिंग में मिल गए थे ये आगरे तीनों। सबसे छोटे मेरे पापा है, फिर उनसे बड़े हैं, फिर उनसे बड़े वाले अभी नहीं है, फिर सबसे बड़े ये रही रहेंगे पापा हमारे। वो कैसी है जनाब? एंटी के काम करते हैं, पास में तो आवाज नहीं आएगी। एंटिक जड़ाव के काम करते हैं ये मुकेश जी। ये क्लास जी कराना तो मुकेश जी संभाल रहे हैं। हां, गणेश जी को भी एंटिक बना देंगे, चिंता मत करो जी। गोविंद जी अध्यक्ष आ गए हैं, अध्यक्ष आ गए हैं हमारे समाज के। दिलीप जी, ओ दिलीप जी, दिलीप जी हटियाओ। नरेश, ओ नरेश एक मिनट यार, हमको प्रणाम स्वीकार करना है। अपना स्थान ग्रहण करें। उदयपुर में एक
ट्रस्ट बनेगा वहाँ पुष्कर भवन में आप लोग सभी सहमति में 1,00,000 रुपए एक आदमी पे और जगह जगह आप भी सब करने 3 साल महीने महीने भवन भी तैयार कराना मुनोसरी पहला या घोषणा और पहला तैयार जेब में पैसा वेगा आप ही कर लांगा एक बार आपने विचारधारा अपनी मजबूत होगा नहीं जनरल अरे जनरल किला जी जनरल कर रहे हैं बात मंच वाला सब भी तैयार है माला भी संभागी भवन और ट्रस्ट बनाऊंगा ट्रस्ट ट्रस्ट में कहीं कंट्रोल रहे और जो 1,00,000 देगा संचालन भी लोग करेगा राम समाज के लिए आएगा लेकिन संचालन भी लोग करेगा बनारस शत्रुघ्न सिन्हा इनकी फर्स्ट कॉपी है समाज के भवन की घोषणा करने के लिए आए हैं हाँ और बड़े बाबा ने पहले 1,00,000 रुपए बोल दिए हैं अभी स्टार्टिंग में जय श्री राम रास्ता नहीं मिल रहा परिवारजन अपनी प्यारी लाडली को अपनी प्यारी दुल्हन को बनाएंगे वरण करेंगे आज से आप दोनों एक सूत्र में बंधे हैं और इधर भोजन चालू हो चुका है भाई भोजन ही चल रहा है हाँ लगभग ये हमारे पास प्रूफ हुआ चुका है ये बड़े पापा हमारे अभी एक यहाँ रहे हम आपको वहाँ ढूंढ रहे थे और एक और बड़े पापा ही हमारे रियल यहाँ है ये इधर बाल मुगन जी अंकल कर रहे हैं चक्कियों की सेवा में ये आए हो ये देखो ये सावा बना है यहाँ पे अमचूर रख रहे हैं हाँ भैरो चलो और ये दाल की सेवा चल रही इधर आपको चक्की चल रही बराबर चक्की की सेवा में दीपक जी बड़ा ट्रम्पेट काटो और ये सब गवर्नमेंट कार्यकर्ता की आपको सख्त जरूरत है हम सेवा में लगते हैं अभी फटाफट सेवा दल के कार्यकर्ता से निवेदन है भोजन पांडाल के अंदर आए जो फटाफट ये मेरी फेवरेट जकोलमा पूड़ी है गाइस जकोलमा पूड़ी नहीं कहते गाइस इसको जकोलमा पूड़ी कहते दाल आल सब्जी एक नंबर मित्र है खास ओके ईश्वर का मुकुट बनाने वाले आप पतन जो कार्यकर्ता है आप लोगों से आग्रह है छोटा न छोड़े हाँ
कुछ लगा ही नहीं यार कि दीपक भैया क्या अरे भाव गया भाव गया यार था ना जाए नाली में ठीक रहा मेनू मेन लिया लाल पहन लेते दिक्कत हो जाती ये 20 मिनट में नाली के अंदर पूरी खड़ा ना रहे अरे जल पाई दो सेल्फी खुली रहो मेरो तो अब सेवा हो चुकी है क्या आनंद आ रहा नहीं आ रहा फुल आनंद है बस अब हम भी प्रोग्राम की अच्छी खासी हो गई हमारा सबके रख रख के तो आज बिना क्या है आज 14 तारीख वैलेंटाइन डे That's how we are celebrating our Valentine Day. समाधरो काम है यार वो जरूर दे मणि साहब और सब वो नीचे दाल हाँ नीचे नीचे पढ़ दो दाल नीचे मैं ये आलू मटर की सब्जी आलू मटर अरे गुड़िया वाला गुड़िया वाले की कोई देख तो नहीं रहो कोई देख तो नहीं रहो पंडाल में कैलाश भैया मुकेश भैया यहाँ पहले मिल चुके हैं कल भी मिले थे आपसे तो बहुत अच्छा भोजन रहा बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम का हमारे समाज का सामूहिक छठा सामूहिक सम्मेलन है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आया मुझे खाना खा के आया जब तक तो आधी शादी निपट चुकी है आधी चल रही है जैसा कि देख सकते हो आप ये सब जगह पब्लिक बहुत ज्यादा भर गई अब लो ब्रो व्हाट्सएप लगा लेंगे यार आज हम मैगी बना रहे हैं गाइस ये बहुत गंदे हैं ये हमारी भांजी है गाइस हम मैगी बना रहे हाँ हमारे मैगी खाने हम पुड़िया खा के आए हम मैगी जकुलमा वाली जकुलमा वाली हाय विपिन भैया मिल सके विपिन भैया जय महादेव जय महादेव भोजन वजन कंप्लीट है कुछ कमी पेशी नहीं सर सब ओके है समाज का काम डन 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 यशवंत जी क्या कहना चाहेंगे हमारे समाज का सम्मेलन ये हमारे मेड़ क्षत्रिय सणकार समाज का सामूहिक विवाह है और ये जोड़े बहुत कम हुए इस बार 6 जोड़े हुए हैं और ये बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है आप एक बार और शादी तो आप कहते हैं कि हर आदमी के पीछे एक नारी का हाथ होता है बिना नारी शक्ति के आदमी कुछ नहीं कर सकता है बहुत अच्छा प्रोग्राम है सणकार समाज उदयपुर का बहुत अच्छा हुआ इसमें एक अभूतपूर्व अनुभव है यहाँ पे आज वैलेंटाइन डे भी है बोलो लो विकास जी आ गया तू इंटरव्यू ले लो मैं बात सुनो रुको रुको समाज तो ठीक है तो मेरा एक प्रश्न है आपसे कि आप दोनों शादी शुदा हो ठीक है तो पति पत्नी में लड़ाई किस चीज को लेके होती है पहले आप
लड़ाया तो कही है अपने बन्ना काम रे तो लड़ाया बीती ज रहे है हाँ। लड़ाया किस चीज के लिए हमारे ऑडियंस को बताओ जल्दी बोलो क्योंकि वो बोलना चाहते हैं। इस तरह बार वैलेंटाइन डे है कल गिफ्ट नहीं दांगा तो लड़ी चालू है क्यों नहीं ज्यादातर होती किस बात पे क्या रोज आज टवाल बटने रख दी तो यो हस्ताड़ो बटने रखा देखो मुंह तो लड़े तो मारे बेबी ने क्योंकि मां घर वाला जाने मारी आदत मु कोई काम नहीं है घर वाला आज भी 20 है के अपना भी 20 और आज इनकी एनिवर्सरी की है बड़ी इतना बढ़िया आगे का काम आपका करा भी नहीं है। हाँ जी क्या बोलना चाहेंगे लड़ाई ये बोलना चाहते हैं कि पति पत्नी का जहाँ पे प्रेम होता है वहीं पे लड़ाई होती है जहाँ प्यार नहीं होता है वहाँ पे लड़ाई होती है। ये बात इनने बहुत 1,00,000 रुपए की कही है और फटाफट लड़ाई होती है वो खाली 2 मिनट या 5 मिनट की होती है 10 मिनट लड़ाई और वहाँ पे ठीक हो जाती है और छोटी बात की लड़ाई क्या कि ये चीज यहाँ पे क्यों रखी वो चीज वहाँ पे क्यों रखी और हर घर की लड़ाई मैं कहता हूँ होनी ही चाहिए। इनका बात बहुत सही है तो ये प्रश्न अपन आगे दूसरे लोगों से भी पूछते हैं प्रकाश जी महावर बड़ी तीव्र गति से और सिस्टमेटिक अनुशासित ढंग से निकल रहे हैं। मैं प्रकाश जी महावर का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मेरी आवाज उन तक पहुँचती हो। छोटी सी ला जा मेरे पास आ जा लाना बाकी है क्या अरे बाकी है इसको हमारे को चलो प्रसाद जी भगवान और गंदे जी बताए जो भी मानो भाव बाहर से पधारे हैं उनका सम्मान ले गए हैं कृपया मंच पर पधारे। अड़ा दो रहे हाँ एक दोयर ले लो जरा आप भी जरा तो मेरा ये प्रश्न है आप दोनों से आप दोनों शादी से दो जी हाँ ये बताओ कि शादी के बाद पति पत्नी में लड़ाई क्यों होती है पहले आप इसका तो जवाब अभी भगवान को भी मालूम नहीं है ठाकुर जी ने जो तुलसी हुआ क्या ना उनको भी मालूम नहीं है क्यों होती है आपके घर में होती होगी तो आप बताओ आप क्यों होती है उनकी चलने तो नहीं होती है उनकी चलने तो उनके कहने मेरे को तो नहीं होगी जो केज कर लो तो नहीं होगी बात मानी राड़ बागी हाँ क्या क्या कह रहे हो अपने लिए कोई लड़की पसंद की सम्मेलन में शादी करने की इच्छा है आपकी भी देखा जाएगा बड़ा होके देखा जाएगा बड़ा हो तो क्या इतना बड़ा तो हो गया आपके पिताजी वो चंदू जी तुस्ती वाले ही है अच्छा अच्छा ठीक है चुंगी जी का है तो राजू अंकल हमें ये बताओ शादी के बाद पति पत्नी में लड़ाई क्यों होती है ज्यादा प्रेम के खातिर सब चाहते हैं ज्यादा प्रेम हो गए इसलिए लड़ाई होती है तो लड़ाई होगी तो प्रेम बढ़ेगा मनाएगा एक दूसरे को ये आंसर हमें और भी किसी ने दिया एक अनुभवी इंसान हूँ 18 साल से 36 साल का अनुभव है मेरे को बिल्कुल तो 36 साल से रहे मजे में 36 सालों का शादी 36 मेरी वाइफ 18 उसको 36 साल का से हो गया 18 साल हो गए 18 साल हो गए इनको जेल में और अभी तक आदमी जेल के भुगत ही रहा है तो आजीवन कारावास है ये और काफी अच्छा आंसर था हाँ बहुत खुश है। तो अभी आप राजू अंकल से तो मिल ही चुके तो ये राजू अंकल की वाइफ है और ये हमारे रमेश अंकल की वाइफ है तो मुझे ये बताओ कि ना शादी के बाद पति पत्नी में लड़ाई क्यों होती है क्यों तो छोटी मोटी चलती रहती है मतलब क्यों झगड़े होंगे तो ही प्यार होगा कैसे मतलब कारण कि टवाल इधर रख दिया कि ये इधर रख दिया छोटी मोटी चीजें खाने में क्या बना खाने में ये खाने में ये अच्छी नहीं बनाई ये सब्जी अच्छी नहीं बनाई आज ये क्या बना दिया मेरे को पसंद नहीं है हाँ तो इसी से रिलेटेड होती है आपका क्या कहना है मैं ये आंटी जी रटना वटना तो ये सब फोटोग्राफ के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं स्कूटी इसके अंदर देख वो थैला पड़ा है थैला जल गया थैला जल गया लातो से एक बार लातो से छोड़ रहे लातो से और अपने खुल गए और
लाने के बाद अगर अपने खुल के कहीं ना कहीं किदो करा हमारे दो ही छोरा कहीं ना कहीं किदो। तो अब हम वेट करें लकी ड्रॉ का, जिसके भी लकी ड्रॉ होगा उसके निकलेगी सबसे बम्पर प्राइस है स्कूटी, उसके बाद टीवी एलसीडी फ्रिज वो सब है, और सबसे बड़ा प्राइस स्कूटी है। तो देखते हैं इसके क्या निकलती है। दीपसा के 22 कूपन है और मेरे निकलेगी भाई मेरे मेरे 5-1 कूपन है, तो देखो अब क्या होगा। और ये फोटोग्राफ के लिए इतनी मेहनत कर रहे पर अभी हम हमारी हालत में। हाँ बेटा पानी सही रहो ले लो। हाँ पियो पियो यार समाज रो कहाँ। तो अब हम बैठे हैं पीछे स्टेज पर। जय बोल श्री गिरिराज की। जय नाथ की। बोल एकलिंग नाथ की। तो अब होने जा रहा है चिट कोट, जिसमें लकी ड्रॉ का प्रोग्राम है और लकी ड्रॉ में सबसे बम्पर प्राइस है स्कूटी की पूरी टीम द्वारा। तो स्कूटी जिसके भी निकलेगी दीपसा के 22 कूपन है 22, एक कूपन 500 रुपए, मेरे 5-6 कूपन है, कुछ नहीं गाइस नहीं मिला तो वाह। और हमको पता है हमारी किस्मत में हमें तो नहीं मिलेगा, तो देखो अब किसको मिले। टोटल इतने कूपन 4000 कूपन में खूब सारे कूपन ले जाएंगे। हाँ अभी महिला आ जाती है लेदा ऊपर लेदा ऊपर मैंने नहीं दिए क्योंकि जो मेन कार्यक्रम और आयोजक होते हैं वो कूपन का नहीं करते हैं, उसका कारण है। और ये खुद ही कूपन है। वैसे तो मैं खुद ही कूपन हूँ, लेकिन क्या है कूपन हम लोग नहीं खरीदते, इसलिए कि जनता हमारे अगर हमारे में से किसी के इनाम खुल जाए तो जनता हमारे पे आरोप लगाती करती है, इसलिए ये योजना सिर्फ समाज की पब्लिक के लिए आयोजक कमेटी के लिए नहीं है, तो इसलिए हमने लिए हैं। तो अब देखो किसके खुले। चलो आ जाओ कुछ को पीछे खड़े कर दो नरेश जी, सोफे पे खड़ी कर दो कुछ महिलाओं को पीछे अगर दे जाओ। हां टोकन टोकन बताओ नाक बताओ एकदम सब जगह इनके और इनके हस्बैंड के फोटो है बहुत बहुत जोरदार। और बेस्ट ड्रेस्ड ऑफ द टुडे का अवार्ड जाता है इन आंटी को। क्या नाम है आंटी आपका? वर्षा सोनी। ठीक है तो वर्षा जी को बेस्ट ड्रेस का अवार्ड और ज्वेलरी भी है। अरे यार जोरदार जदीप एक नंबर। मैं भाग लो मेरा हाथ पकड़ खड़ा रही लो क्या ये आइयो फोटो आइयो फोटो लल दंगल खड़े हो चुके हैं अब। लग रहा है मामला गंभीर होने जा रहा है पकड़ने के लिए। तो अभी हमारी लॉटरी लगी है स्टेज पे बैठे बैठे हमें पता नहीं था यहाँ तो चिप्स से बड़ी है। ओ भाई वो भी है देख बिस्कुट कई ये कैसे है? चल नीचे उतर। अच्छा फिर तो चिप्स से खा रहा है ले यार तू तो वो प्लेट ला प्लेट ले बड़ी वे बड़ी वे यार मैं किसी को चमका भी नहीं सकता हूँ यार आपका फैन हूँ फुल नजर इधर ले बेटा खाएगा देख रहे हैं मैं। तो मेरा ये सवाल नहीं जो मेरा ये सवाल है कि शादी के बाद पति पति में लड़ाई क्यों होती है? लड़ाई नहीं एक दूसरे को मान लो लड़ाई भी नहीं तो आपके मानते हैं तो लड़ाई कभी हो ही नहीं सब मैं मान जाऊं लड़ाई भी वो मान मैं मान जाऊं सब बात। अरे मान जा आप नहीं मानो आप बताओ नरेश अंकल के शादी के बाद पति पत्नी में लड़ाई क्यों होती है? मिलन टाइट होता है ना हां तगड़ा काम होता है सब काम अपने आप ही हो जाता है तो होती नहीं है कि क्यों होती है क्यों मतलब कारण क्या कि हस्ताड़ो हटने मिल दो योनी की दो वोनी की दो योनी लाया कारण पूछ रहा हूँ कारण जानना चाहती है हमारी ऑडियंस। भैया एक दूसरे का कहना नहीं मानते इसलिए लड़ाई होती है आप किस हिसाब से बोल रहे हो? क्योंकि इनके लड़ाई हो चुकी है। अच्छा और इनके क्या जोरदार वाली होगी और इतनी जोरदार वाली हो गई कि वो अब लड़ती नहीं है इनके पास आती नहीं है उनके घर। हैप्पी 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 सिंगल है। एक और कपल के हाँ आप क्या कहना चाहेंगे एक
शादी के बाद पति पत्नी में लड़ाई क्यों होती है? राहुल जी सुनी जो शादी जब करो तो प्यार मोहब्बत की लड़ाई होती है, ऐसी कुछ खास लड़ाई नहीं होती है। चलो आप नॉर्मल रहो, शादी कर लो जल्दी जल्दी। ये मैसेज वहाँ तक पहुँच चुका है, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाएंगे। कुल मिला के किसी भी महिला से पूछते हैं तो वही कहती है आप नॉर्मल रहो। वो क्यों नहीं नॉर्मल होती है ये समझ में नहीं आता। सॉरी बोल दो, सॉरी बोल दो, मतलब लड़के लड़के नहीं, सॉरी पहले बोल देना। ये कह रहे हैं सामने वाले सॉरी बोल दो हमको, तो क्या हम लड़े करें ही नहीं। अगर पति पत्नी में लड़ाई होए तो पति को आगे होके सॉरी बोल देना चाहिए। पति गलत है, ठीक है ठीक है। ये सब आप सब जने देख लेना, आप रखना है ध्यान। तो महत्वपूर्ण सूचना है अभी जो मैं दिखा देता हूँ आपको, इसके अंदर इनामी कूपन है सारे। फर्स्ट प्राइज जुपिटर प्लेनेट, इस ड्रॉ को निकालने के लिए हमें हमारे प्रमुख प्रमुख सतीश चंद्र जी बुंदीवाल हैं, वो मेरे ख्याल से स्वास्थ्य के हिसाब से घर चले गए हैं। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे वरिष्ठ श्रीमान पारस जी जांगल और कृपया मंच पे पधारे और इस इनामी कूपन का ड्रॉ प्रथम ड्रॉ आप निकालें। हाथ डाली घुमाना पड़ी महीने खूब घुमा निकलेगा लास्ट में चाहिए थी वैसे पब्लिक रुक नहीं, लास्ट में कैसे निकले फिर वो नंबर निकल जाए लास्ट वाला नंबर। एक पर्ची निकाल रहे बोलो, अबे एक पर्ची निकाल ली केवल, अबे बताओ इसको देख ले कूपन जी, नाम बोलो नाम बोलो, पिन पिन खोल रहे पिन है पिन और वो पता ही हमने कर दी जो पब्लिक में बहुत बड़ी। सुनील जी सोनीवाल, सुनील जी सोनीवाल, सुनील जी सोनीवाल, आगे कर लो कर लो। पिछली बार नैनो भी कूतवास परिवार में गई और इस बार ये जुपिटर भी कूतवास परिवार में, वो तो ऑलरेडी बहुत अमीर आदमी है। वापस नाम बोलो, नंबर बोलो, नंबर सुनील जी बोलो, नंबर 9 8 9 8 2 9 1 सारे लागियो। सुनील जी मैं पंडाल से बोल रहा हूँ, स्पीकर ऑन है पंडाल में, सभी जने आपकी आवाज सुन रहे हैं। आपने जब सहयोग दिया था, आपने कहा था जल्दी बोलो आगे बोलो कि मैं जो भी सहयोग मिलेगा समाज को समर्पित करता हूँ। तालियां। और अगर ड्रा आपके खुल गया तो वो किसको मिलने वाला है? आपके गांव बहुत ही लक्की गांव है कूतवास, एक बार पहले फर्स्ट प्राइज नैनो खुली थी, इस बार हमने फर्स्ट प्राइज जो जुपिटर रखा है वो आपके खुल गया है। तो आप यही कहीं हो तो तुरंत पंडाल में पधार जाए। बड़े दूसरा दीदी, दूसरा दीदी दे रहा है, आपने दे रहा है, गोविंद जी निकालेगा। हाँ नोट हो गया वीडियो में। दूसरे ऊपर तो अब टीवी फ्रिज वगैरह वो तो बहुत चाहिए, तो हो गया भाई मेरे 11,000 कूपन खुला हुआ था, कूपन है लो खोलो, दूसरा खोलो, दूसरा ऊपर का नाम क्या मेरा राजचंद्र जी, दूसरा ऊपर क्या है मेरा लाना, बता रहे 2 मिनट ऊपर की लिस्ट है, ऊपर का नाम है, अच्छा बच्चा ने बुलाएगी जीएसटी इसमें क्या है? बाहर बैठो, उधर बैठो, सूरत में वाह वाह बैठ जा, बैठ जा, वहाँ बैठ जा, समाज में उधर बैठो, बहुत बड़ा सेवा दे रहे हैं। अरे उधर आओ ना, अरे इधर आना, कह रहा हूँ जोकर बस बस जा उधर। अभी क्या निकल गया ड्रो वॉशिंग मशीन का, आप
खोलेंगे आप खोलो ना आप खोलो ना आपको कहीं दिख रहा है यार आप इसमें अंदर कोई चीटिंग की किसी का नाम दिख रहा है आपको खोलने से बोले नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट काम हो रहा है और बहुत बहुत शुभकामना बधाई इनकी पूरी टीम को आदरणीय गोविंद जी भाई साहब को सेवा समिति के अध्यक्ष श्री कुलदीप जी और पूरी टीम को बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं बहुत बहुत वॉशिंग मशीन खुलने वाली है क्या ये भी तूफान उदयपुर में आने वाला है क्या लग रहा है हम चाहते हैं बाहर जाए यार कुलदीप जी हम बाहर से सेवा ले रहे हैं मूलचंद जी डाक मूलचंद जी डाक चित्तौड़ ये मेरे हाथ से लिखी हुई है फोन लगाई है नंबर बोलो नंबर नंबर जो एक ये प्रथा जिसका नाम खेलता है वो ग्राउंड में नहीं होता है तो अगर आपको प्राइस चाहिए तो आपको ग्राउंड से बाहर जाना पड़ेगा तो इसी के साथ प्रोग्राम यहीं खत्म होता है और मेरे हिसाब से बहुत मजा आया होगा आपको भी क्योंकि बहुत ही अलग अलग तरीकों से अपन को वो मिले क्या मिले जवाब तो बहुत मजा आया मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में तब तक के लिए लाइक फॉलो शेयर सब्सक्राइब जय श्री कृष्ण राधे राधे।